बच्चों, इस वीडियो में आज हम द्रौपदी स्वयंवर पाठ के एमसीक्यू करेंगे जो कि आपकी कक्षा 7 में है। चलो शुरू करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, द्रौपदी किसकी बेटी थी? द्रौपदी किसकी बेटी थी? धृतराष्ट्र की, ठकराल की, शिशुपाल की, पांचाल नरेश की। तो किसकी बेटी थी द्रौपदी? पांचाल नरेश की बेटी थी द्रौपदी। पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द्रौपदी स्वयंवर का समाचार पांडवों को कहाँ पर मिला? द्रौपदी स्वयंवर का समाचार पांडवों को कहाँ पर मिला? जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो पांडव उस वक्त कहाँ पर थे? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, एक चक्रा नगरी में, पांचाल देश में। तो इसका सही आंसर आएगा एक चक्रा नगरी में। द्रौपदी स्वयंवर का समाचार पांडवों को एक चक्रा नगरी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ से ब्राह्मण पांचाल देश जा रहे थे जिनके साथ पांडव भी चल दिए? कहाँ से या मतलब किस स्थान से ब्राह्मण या किस स्थान के ब्राह्मण पांचाल देश जा रहे थे जिनके साथ पांडव भी चल दिए? हस्तिनापुर, एक चक्रा नगरी के, इंद्रप्रस्थ के, मथुरा के। तो किस स्थान के ब्राह्मण थे जो पांचाल देश जा रहे थे? एक चक्रा नगरी के। एक चक्रा नगरी से ब्राह्मण पांचाल देश जा रहे थे, उनके साथ पांडव भी चल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पांचाल देश में पांडव कहाँ रहने लगे थे? जब पांडव पांचाल देश पहुंच गए तो वहां पर कहाँ रहने लगे थे? ब्राह्मण के घर, महल में, कुम्हार की झोपड़ी में, जंगल में। तो इसका सही आंसर आएगा कुम्हार की झोपड़ी में। पांचाल देश में पांडव कुम्हार की झोपड़ी में रहने लगे थे और एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पांचाल देश में पांडव किस वेश में रह रहे थे? पांचाल देश में पांडव किस वेश में रह रहे थे? राजा के वेश में, मंत्री के वेश में, ब्राह्मण के वेश में, बढ़ाई के वेश में। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्राह्मण के वेश में। पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण के वेश में रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द्रौपदी स्वयंवर के समय पांचाल नरेश कौन था? द्रौपदी स्वयंवर के समय पांचाल नरेश कौन था? द्रुपद, दृष्टद्युम्न, धृतराष्ट्र, शिशुपाल। तो इसका राइट आंसर आएगा द्रुपद। द्रौपदी स्वयंवर के समय पांचाल नरेश कौन था? द्रुपद था, जो कि द्रौपदी के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्वयंवर मंडप में क्या रखा हुआ था? जो स्वयंवर मंडप बना हुआ था उसमें क्या रखा हुआ था? तलवार, भाला, धनुष, कटार। तो इसका राइट आंसर आएगा धनुष। धनुष रखा हुआ था स्वयंवर मंडप में, धनुष रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, धनुष की डोरी किसकी बनी हुई थी? धनुष की डोरी किसकी बनी हुई थी? धागों की, रस्सी की, तारों की, फूलों की। तो इसका राइट आंसर आएगा तारों की। धनुष की डोरी तारों की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मंडप से काफी ऊंचाई पर क्या टंगी हुई थी? मंडप से काफी ऊंचाई पर क्या टंगी हुई थी? एक तलवार, एक बर्छी, सोने की एक मछली, एक बड़ी दीवार घड़ी। तो इसका राइट आंसर आएगा सोने की एक मछली। मंडप से काफी ऊंचाई पर सोने की एक बड़ी मछली टंगी हुई थी। सोने की एक मछली टंगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राजा द्रुपद ने किस पर निशाना लगाने की घोषणा की थी? राजा द्रुपद ने द्रौपदी स्वयंवर में किस पर निशाना लगाने की घोषणा की थी? मछली पर, तलवार पर, घड़ी पर, मंडप पर। तो इसका राइट आंसर आएगा मछली पर। जो सोने की मछली दीवार पर टंगी हुई थी उस पर राजा द्रुपद ने निशाना लगाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द्रौपदी स्वयंवर में कौन कौन सम्मिलित हुए थे? द्रौपदी स्वयंवर में कौन कौन सम्मिलित हुए? कर्ण दुर्योधन, शिशुपाल जरासंध, श्री कृष्ण अर्जुन, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध, श्री कृष्ण, अर्जुन सभी सम्मिलित हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द्रौपदी स्वयंवर में कौन हार गए? द्रौपदी स्वयंवर में कौन हार गए थे?
दुर्योधन, जरासंध, कर्ण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर भी क्या आएगा, उपयुक्त सभी। दुर्योधन, जरासंध, कर्ण सभी हार गए थे, किसी से धनुष नहीं उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस युवक ने निशाना सही लगाया, किस युवक ने निशाना सही लगाया था? ब्राह्मण, वेशधारी ने, जुल्हा ने, बढ़ई ने, कुम्हार ने। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्राह्मण वेशधारी युवक ने। मछली पर सही निशाना किस युवक ने लगाया था? ब्राह्मण वेशधारी युवक ने लगाया था। द्रौपदी ने किसे वरमाला पहना दी, द्रौपदी ने किसे वरमाला पहना दी? दुर्योधन को, जरासंध को, कर्ण को, ब्राह्मण वेशधारी युवक को। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्राह्मण वेशधारी युवक को, द्रौपदी ने ब्राह्मण वेशधारी युवक को माला पहना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ब्राह्मण वेशधारी युवक कौन था, ब्राह्मण वेशधारी युवक कौन था? कर्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण, शिषपाल। तो इसका राइट आंसर आएगा अर्जुन, ब्राह्मण वेशधारी युवक अर्जुन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास गए तो किसने उनका पीछा किया? भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास गए तो किसने उनका पीछा किया? धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन ने, धृष्टद्युमन ने, राजा द्रुपद ने। तो इसका राइट आंसर आएगा धृष्टद्युमन ने। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास गए तो धृष्टद्युमन ने उनका पीछा किया और पता लगाया कि ये कौन है ब्राह्मण वेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। धृष्टद्युमन कौन था, धृष्टद्युमन कौन था? अर्जुन का दोस्त, द्रौपदी का भाई, ब्राह्मण का बेटा, हस्तिनापुर का सैनिक। तो इसका राइट आंसर आएगा द्रौपदी का भाई था, धृष्टद्युमन द्रौपदी का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसने पांचाल देश पहुंचकर राजा द्रुपद को पांडवों के बारे में बताया, किसने पांचाल देश पहुंचकर राजा द्रुपद को पांडवों के बारे में बताया? धृष्टद्युमन ने, शिषपाल ने, जरासंध ने, श्री कृष्ण ने। तो इसका राइट आंसर आएगा धृष्टद्युमन ने। पांचाल देश पहुंचकर राजा द्रुपद को बताया कि वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण वेश में पांडव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पांडवों को निमंत्रण किसने दिया, पांडवों को निमंत्रण किसने दिया? धृष्टद्युमन ने, शिषपाल ने, जरासंध ने, राजा द्रुपद ने। तो इसका राइट आंसर आएगा राजा द्रुपद ने। जब राजा द्रुपद को पता चला कि ब्राह्मण वेश में पांडव है तो उन्होंने पांडवों को निमंत्रण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसने द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ किया, किसने द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ किया? द्रोणाचार्य ने, राजा द्रुपद ने, शिषपाल ने, जरासंध ने। तो इसका राइट आंसर आएगा राजा द्रुपद ने। राजा द्रुपद ने द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ करवा दिया।